काशीपुर में चोरी के मामलों में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने छापेमारी कर शातिर किस्म के चोरों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोरी करने से पहले रास्तों एवं बंद घरों की रैकी किया करते थे। काशीपुर में विगत 27 फरवरी को हुई चोरी के मामले में उच्च अधिकारियों के आदेश पर मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद इस घटना में संलिप्त अभियुक्त नसीम सैफी व कामिल खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से चोरी के माल के साथ चाकू व तमंचे भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि चोरी करने से पहले ये चोर रास्तों एवं बंद घरों की रेकी किया करते थे। दोनों पहले भी इस तरह के मामलों में गाजियाबाद, जयपुर, बेंगलोर, अजमेर, लखनऊ, मुरादाबाद, हल्द्वानी आदि स्थानों से जेल जा चुके हैं। नसीम और कामिल जो कि संभल के रहने वाले हैं और ये ख्याति प्राप्त चोर है, अंतर्राज्यीय चोर है ये। इन्होंने बेंगलोर, लखनऊ, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इवन तक कि रामनगर, ऐसी जगहों पर अभी इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है 20 चोरियों की मिली है जो कि इन्होंने चोरी को किया था। घटना में जो इनके द्वारा माल ले लिया गया था, हमारे द्वारा सभी प्रोफेसर उसमें रिकवरी की गई है। साथ ही ये जो घटना करने से पहले जो तमंचा लेकर के जाते थे वो भी हमने रिकवर कर लिया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने कहा कि साहब हम किसी भी शहर में चोरी करने के लिए 2 या 3 दिन पहले जाते हैं और जाकर के हम वहाँ पर किसी सराय में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पुलिस का ध्यान न जाए और वहाँ पे हम किराए का कमरा लेकर के वहाँ पे रुकते हैं। वहाँ हम फर्जी आईडी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि पुलिस कल को हमें ट्रैक न कर पाए। हमारी जो चौकी है उस पर इन्फॉर्मेशन जरूर दें ताकि हमारी गश्त पार्टी है उनको पता रहे कि किस घर में लोग बाहर हैं और नहीं है। अगर वो देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी निगरानी करेंगे, उसकी सुरक्षा होगी, हमें मदद मिलती है और हम उसकी प्रॉपर तरीके से देखभाल भी कर पाते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।